कैसे मैडम आप? बस ठीक, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है मैम? बस सीन शूट करके अभी जा रहे हैं, थोड़ा बैठेंगे हवा में, खुली हवा में। कि हम भी इंसान है, भूख लगते हैं। हाँ, चाय पी रहे। अरे मैम, क्या सीन चल रहा है मैम? ठंडा हो गया ना अभी। हाँ जी मैम, ठंड के मौसम शुरू हो गया तो कुछ क्या नया सीन चला था मैम? बस यही शूट कर रहे थे। हाँ, तो आप लोग को एपिसोड में देखने मिलेगा क्या है वो सीन और कैसा है। बिन्नी जी कम ज्वाइन कीजिए ना शिवानी जी का। हाँ, जिस तरह आपके पास एक्शन मैन है, क्या नया कर रहे हैं अभी, क्या ऑर्डर किया आपने? अभी तो हमको रिवील ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा। बट हाँ, अभी हमने हसीना मलिक की खाला के साथ एक अच्छा सीन शूट किया है और मैं उनको रंगरेज गली घुमा रही हूँ, बता रही हूँ मैं उन्हें कि देखिए हमारी रंगरेज गली कैसी है। तो बस वही सब चल रहा है। और बिन्नी का नया अवतार देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा था आपको, जिस तरह उनके उनके पास एक एक्टर है करिश्मा सिंह है, हसीना मलिक के पास, आपके पास भी देखा जाए तो बिन्नी है, मेरी बिन्नी है, मतलब बिन्नी के पास मैं हूँ, मेरे पास बिन्नी है, मतलब ईंट के जवाब पत्थर से आपके पास है, मतलब आपके इसमें तो है ट्यूनिंग जमी गया। उम्मीद करता है कि आगे भी कुछ शो करे तो इस तरह के, मतलब होता है ना, रिश्ते बहुत कम बनते हैं। एक बहन की तरह, एक दोस्त की तरह दिखते हैं आप उस सेट पे, रियल लाइफ में भी दिख रहे हैं, ऑफ सीन में दिख रहे हैं, आपने शो बहुत सारे किए। ये जो मग देख रहे हैं आप, हाँ, ये मुझे इसने और सायरा जी जो बनी है, जो शिल्पा मैम, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, आप समझ ही जाइए अभी इतना प्यार मैंने मांगा नहीं फिर भी। ऐसे लोग बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपने आप दिल से जुड़ जाते हैं, दोस्त तो सब बनते हैं। पर आप क्या बोलना चाहते हैं शिवानी जी के बारे में? पैसे दिए मैंने, अच्छा बोलना। लफ्ज नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, इतने पैसे नहीं दिए, प्यार करती मैंने बोलने के लिए काफी पैसे दिए थे। एक बात पूछना तो लास्ट आप लोगों से, आपसे साथ सत्तू का सीन हुआ था जो संतोष जी, यही सोच रहे आपके साथ सीन हुआ? नहीं, हमारा उनके साथ कोई सीन नहीं। आपके साथ संतोष जी के साथ हमारा लास्ट डे सीन था, बट वो हमारा उनका ऐसे एक साथ में नहीं था, वो पूरा हमारा टीम का सीन था, वहाँ जाते हैं और आ जाते हैं, ऐसा सीन था। तो वही जाना तो ऑडियंस पूछ सकती है, इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ डायरेक्टली। 3 साल से वो भी काम कर रही थी, अचानक चली गई, बट बहुत बुरा लगा, मतलब चाहे हमें 1 महीना हुआ हो सेट पे, चाहे कितना भी हुआ हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट, सीन नहीं है बट हम मिलते तो है ना सेट पे, एक फैमिली में अटैचमेंट तो होती है, और इन लोगों को तो कितना बुरा लगा होगा सेट पे, सब तो गई है तो फिर 3 साल से साथ में, ऑब्वियसली बुरा लगा होगा। मतलब एक होता है ना घर के एक परिवार सदस्य कम हो जाता है जिसके साथ, लेकिन देखा जाए तो आप मैडम सर की तुलना में ना आपको चिंगारी गई ज्यादा ही कुछ, मतलब लोगों को प्यार और ये करे। लास्ट टाइम आपने जो वेस्टर्न ड्रेस पहने थे, आपने जो किए थे, लोग यकीन नहीं कर पाए अभी तक, डाले भी नहीं, लेकिन जो हम लोग मीडिया वाले ने यकीन कर पाए कि ये बिन्नी है या कोई अंग्रेजी लड़की आ गई है इस इंटरव्यू, तो पता चलेगा कौन है, कैसे लगा फर्स्ट टाइम? बिन्नी की हम शक्ल भी हो सकते हैं, पता नहीं, अभी पता नहीं है। जुड़वा बहन भी हो सकती है। हाँ, जुड़वा बहन भी हो सकती है। करिश्मा की थी करीना, वैसे की बिन्नी, बिन्नेश्वरी, बिन्नेश्वरी। नहीं, मैं कह रहा था अचानक सारी से अचानक आप इस रूप में देखे, खुद को कैसा लगा आपको? खुद को बहुत अच्छा लगा, बट वो जो सर पे जो बोझ होता है ना बालों का, वो तो एक आर्टिस्ट ही जानता है। एक लास्ट मैसेज जाते थे मैडम सर के ऑडियंस के लिए, क्या बोलना चाहते हैं आपके चिंगारी फ्रेंड्स? प्लीज हमें अपना प्यार देते रहिए, चिंगारी गैंग को, मुझे, बिन्नी को, सायरा जी को और मैडम सर, जो महिला पुलिस थाने उनकी टीम को। कीप वॉचिंग मैडम सर मंडे टू सैटरडे 10 PM एंड कीप ऑन ब्लेसिंग अस। थैंक यू।